तो आज जो हम डिश बना रहे हैं वो है वेजिटेबल क्लियर सूप। दैट्स नाइस, सिंपल येट टू टेस्टी। तो शुरुआत अगर इतने अच्छे सूप के साथ हो रही है तो आगे आगे बहुत कुछ खास होने वाला है। राइट, तो चलिए वेजिटेबल क्लियर सूप बनाने के लिए हमें लगेंगे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रेड कैबेज, बेबी कॉर्न, गार्लिक, बीन्स, मशरूम, कैरेट, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर, पेपर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। सबसे पहले एक पैन रख दिया हमने, वाह। अभी इसके अंदर वाटर, बस इतना काफी है। तो अब करना क्या है, ये जो ग्रीन चिली है इसको आपने ऐसे एक के दो कर ले, दो पीस ग्रीन चिली को, और इसके सीड्स जो है वो निकाल लीजिए इस तरीके से। अब जो गार्लिक है, गार्लिक लेंगे हम 3 से 4 पीस, बस इतना काफ़ी है, और इसको क्रश कर लेना है ऐसे। वेजिटेबल की इतनी अच्छी क्रंच आवाज़, मतलब एकदम फ्रेश है। अब ये जो गार्लिक है ये आप इस वाटर में ऐसे डाल दीजिए, और साथों साथ ये जो हरी मिर्च काटी हुई है ये भी। अब जब थोड़ा सा गर्म हो जाए पानी, तो एक एक करके ये हमने बारीक वेजिटेबल काटे हुए हैं, ये देखिए गोभी इसके अंदर, बस इतना काफी है। फिर इसमें ब्रोकली, अभी हमने ब्रोकली यूज की है, अभी पर्पल कैबेज। इसे एक बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है, पर्पल। अब इसके अंदर बेबी कॉर्न, अब इसके अंदर कैरेट, अब इसके अंदर बीन्स, गाजर हमने अभी यूज किया इसके अंदर, हाँ। बीन्स। बस इसी तरीके से जो भी वेजिटेबल आपको मिले घर पे आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कुक और होने देंगे इसको। अब जो है मशरूम, ये भी फाइनली चॉप किया, माय ऑल टाइम फेवरेट। ब्रोकली एंड मशरूम्स आर माय फेवरेट्स। अब थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। ये देखिए पर्पल कैबेज ने अपना कमाल दिखा दिया है। जैसे ही गार्लिक अपना फ्लेवर जो है इसके अंदर छोड़ दें, आप गार्लिक को निकाल लीजिए, क्योंकि क्या होगा, नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग गार्लिक फ्लेवर भी आपको जो है सूप को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। और ये चारों पीस गार्लिक निकाल दिए हमने, निकाल ली वापस। थोड़ा सा कोरिएंडर फ्लेवर की बारी, इसको इस तरीके से। और ये कहते ना कि हमें खाना तो खाना है और उसके बाद भूख भी ना लगे थोड़ी देर, या फिर खाना खाना और भूख भी लगे, तो ये दोनों चीज़ों के लिए बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे वेजिटेबल है जो आपका एक फिलर बन जाएगा। राइट। और दूसरा ये है कि भाई बहुत जल्दी ये डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अब इसके अंदर बारी है सॉल्ट पेपर की, तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर, हाँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ग्रीन चिली हमने जो है ऑलरेडी इसके अंदर यूज़ की है। थोड़ा सा सॉल्ट, बस अब इसको बंद कर दें और हल्का सा नींबू। तो जब भी फ्लेम ऑन हो तब हमने लेमन कभी नहीं डालना चाहिए कुकिंग में। लेमन को कुक नहीं करते हैं ज़्यादा कभी भी। ओके। सो ये रेडी है हमारा सॉल्ट पेपर लेमन एंड एवरीथिंग, एंड सारे वेजिटेबल जो है वो आप देख लीजिए। इट्स एक्चुअली वेज क्लियर सूप। तो जैसे वेजिटेबल हमने रखे थे वैसे के वैसे। राइट। जरा इधर भी आने दीजिए। अब करेंगे इसकी प्लेटिंग। अब ये देखिए हमारा वेजिटेबल क्लियर सूप। ये रेडी है हमारा
वेजिटेबल क्लियर सूप. थैंक यू सो मच शेफ. वेलकम. इसमें वेजीज का ही फ्लेवर है. जो स्पाइसेस हम अक्सर सोचते हैं कि सूप में स्पाइसेस हमें मिलेंगे, कभी तीखा कभी फीका, इसमें तीखा या फीका से ज़्यादा वेजीज सारे के सारे अपने फ्लेवर्स छोड़ रहे हैं. एज यू कैन सी, कैबेज का पूरा कलर ये सूप है इसमें आ चुका है. एंड दैट्स आउटस्टैंडिंग. एंड आई मस्ट से दिस इज सिंपल येट वेरी टेस्टी.